जुड़ा सहकारिता विभाग ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। यह बात चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि वीटा कोरोना काल में हेल्दी मिल्क लेकर आया है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि वीटा बूथ बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, जल्द ही वीटा के बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1000 फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी इनकम बढ़ा सकता है। किसानों को कृषि के साथ पशुपालन पर भी ध्यान देना चाहिए। किसान अच्छी नस्ल के पशु पालकर अच्छी आमदनी कमा सकता है। बनवारी लाल ने आगे कहा कि हैफेड और विटा के बूथ खोले जाएंगे ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हैफेड ने कई नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें बाजरा जीरा बिस्किट, ज्वार तिल बिस्किट, चना फ्लैक्सीड बिस्किट, रोस्टेड ज्वार नमकीन, रोस्टेड बाजरा नमकीन, मिक्स ग्रेन्स नमकीन, बाजरा पोहा शामिल है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भाजपा किसान हितेशी सरकार है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में किसानों को 2 से 10 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलता था, अब भाजपा सरकार में किसानों को 12 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए जो कार्य कर रही है उतने कार्य पहले कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत के नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर करोड़ों रुपए का फंड दिया गया है। इस फंड के तहत किसानों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ उन्हें कम ब्याज दर पर लोन सुविधा भी दी जा रही है ताकि किसानों को धन की कमी ना हो और वह अच्छी खेती कर सके। उन्होंने कहा कि गाँव में शहर के तर्ज पर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। विधानसभा के किसी भी गांव को विकास कार्यों में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। खुशबू चंडीगढ़ से संवाददाता खुशबू नैब की रिपोर्ट। एफेड और डेरीफेड द्वारा अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग के इस प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित डेरीफेड के चेयरमैन, एफेड के चेयरमैन और हमारे एशिया साहब संजीव कौशल जी और MD एफेड और MD डेरीफेड और सभी अधिकारीगण और आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते भी हमने शुगर फैट के जो हमारा गुड़ और शक्कर लॉन्च किया था और उससे पहले भी हमने रिफाइंड शुगर वगैरह को भी लॉन्च किया था, इसी तरह से आज भी हम जो डेयरी फैट का एक हमारा हल्दी मिल्क है उसको लॉन्च किया है करेंगे अभी। और इसी तरह हमारे एफेड के जो बिस्किट हैं जो वो आप बाजरे से है या ज्वार से है तो ये सब चीज़ें हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉपरेशन डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और किसान चाहे वो डेयरी फेड के जरिए या एफेड के जरिए या आपका शुगर फेड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएँ उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो कॉपरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके ज़रिए हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जो हमारा डेयरी के अंदर काफ़ी स्कोप हैं इस काम के लिए, डेयरी के प्रोडक्ट्स हम अगर जितने ज़्यादा मार्केट में लेके आएंगे उतना ही हमारा डेयरी को फ़ायदा होगा। और उसी सिलसिले में हम जो आज ये जो हल्दी मिल्क लेके आए हैं विद ब्लैक पेपर और इससे एक तो जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है और जिस तरह से बता रहे थे अभी हमारे MD साहब कि भाई ये नैनो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्सअप हों। और जो हमारा जो फार्मर है पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकता है और इसके अंदर काफ़ी स्कोप है तो हमने जो विटा के जो बूथ हैं उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है कि बढ़ाएं और उसी के तहत एक पॉलिसी फ्रेंचाइजी लेके आए हम। और उसमें फिलहाल जिस तरह से हमारे लोगों से डिमांड आती है कि भी विटा के प्रोडक्ट विटा का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं होते और वर्का के काफ़ी अवेलेबल हैं तो उसी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमने फ्रेंचाइजी शुरू करने जा रहे हैं और लगभग 1000 फ्रेंचाइजीज हम करेंगे
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो आम आदमी तक पहुंच पाएँ और इससे लोगों को रोज़गार भी मिले और जो विटा की जो सेल है वो भी बढ़े। तो ये सब चीज़ें हम करने जा रहे हैं। इसी तरह एफेड के अंदर भी जैसे पिछली बार हमने हनी बी के साथ वो MOU साइन किया था और आज भी ये MOU साइन कर रहे हैं। और जो हमारे बाजरा एक कच्छ की हरियाणा की जो एक बाजरा है, एक अच्छा मतलब प्रोडक्ट है हमारा, और उसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हम इस तरह से बिस्किट वगैरह या किसी तरह बिस्किट है या और कोई चीज़ उसकी बना के बेचते हैं तो हमारा जो बाजरा है वो यूटिलाइज हो जाता है। अदरवाइज़ हमें एफेड को काफ़ी उसको नुकसान झेलना पड़ता है, बाजरा हमारा सेल नहीं हो पाता और बिस्किट वगैरह या और जो चीज़ हम बाजरे से जो बनाएंगे उन चीज़ों से, मट्ठी वगैरह इन चीज़ों से हम इनको बाजरा को और आगे मतलब प्रसारित कर सकते हैं, बाजरा के जो प्रोडक्ट्स हैं, और उससे हमारे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो हम खरीद रहे हैं, ये भी एक वुमेंस ग्रुप है और उनकी जो एक आमदनी भी बढ़ती है तो हम उनसे खरीद रहे हैं ये, और उनको भी इसका बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारा कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसका यही मकसद है कि हम लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, और इसी सिलसिले में आज ही हम ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो हमारी फ्रेंचाइजीज खुलेंगी इसमें हमारे लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका मौका मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ये होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते और मतलब क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट्स आम लोगों तक पहुँचें और उसका मतलब लोगों तक मिलें। और ये भी है कि जो हमारे एफेड के और जो विटा के जो बूथ खुलेंगे उन बूथ पे हमारे एफेड के प्रोडक्ट्स भी और विटा के प्रोडक्ट्स भी दोनों एक दूसरे उसमें मिलेंगे, ताकि एक जगह ही सारी चीज़ें उस आदमी को मिल जाएं। तो ये भी एक एक्सेसिबिलिटी होगी कि सारे प्रोडक्ट विटा के भी और एफेड के भी एक ही शॉप पे मिलें। तो ये सब चीज़ें आज हम करने जा रहे हैं। थैंक यू। इसके बाद MOU एक्सचेंज के लिए मैं अपने MD साहब, MD हरियाणा डेयरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले सबसे मार्केट के अब मैं HPMC के रिप्रेजेंटेटिव से तस्दीक रहे कि आप आए थे। अपना एकता हरी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स, धन्यवाद। Thank you.
अगला कार्यक्रम हमारी वीटा की फ्रेंचाइजी पॉलिसी लॉन्च करने की है, तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारी रैना डेयरी की वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी को लॉन्च कर बोल के शाया कर दीजिए। उधर भी देखो बाबा साहब को भी सर सामने सर प्लीज सर इधर साहब ऑफर करो सबको पी के लॉन्च कर लेना। अच्छा आप लोगों ने नहीं पकड़ा सभी पकड़ लो भाई खोल लो नहीं कोई बात कोई बात कोई बात ठीक है सर सबको ऑफर करें नहीं फिर सारे सांझे पीते हैं तो अच्छा लगेगा। चलो आप सबको करो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.